hello students and welcome to the virtual learning network this is session 5 for modern india 1857 to 1964 and here we will study colonialism the new administrative system pre and post 1857 the topics to be covered are introduction establishment of british supremacy administrative system before 1857 and एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम फिफ्टी सेवन फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन द मुगल्स है सेंट्रलाइज फॉर्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन देयर एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप एज यू कैन रिकॉल द कल्ट ऑफ परसनैलिटी डोमिनेटेड डिपार्टमेंट्स जो मुगल्स थे जब हम इंडिया में मुगल पीरियड चल रहा था उस टाइम पे एक सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था और उसमें एक पर्सनालिटी होती थी हर डिपार्टमेंट में जो उसको डोमिनेट करती थी द डिफ़ीट एट प्लासी एक्सपोज ऑल द इंडियन वीकनेसेस फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स द ब्रिटिश इस्टेब्लिश्ड दिमसेल्व एज अ स्ट्रॉग पार जब वॉर हुआ था प्लासी का डिफ़ीट एट प्लासी जो हुआ था और उसमें जब इंडियंस हार गए थे उस टाइम पे सारी की सारी वीकनेसेस एक्सपोज हुई थी और तब से ही ब्रिटिश रूल स्थापित हो गया था इंडिया में

उसको कहते थे प्रेजिडेंसी जैसे कि मद्रास बॉम्बे एंड कैलकाटा इन 1698 द कंपनी बॉट दी जमींदारी राइट्स ऑफ द विलेजेस ऑफ सटन कैलका एंड गोविंदपुर इन 1757 द कंपनी एक्वायर्ड राइट्स इन दी 24 परगनास ऑन द बेसिस ऑफ अ क्विट रेंट विच वॉज सब्सिक्वेंटली असाइन टू दी कंपनी तो 1698 में जो कंपनी है उन्होंने जमींदारी राइट्स ख़रीद लिए थे विलेज़स के जैसे कि सुतानाती कैलकाटा और गोविंदपुर और 1757 में कंपनी ने 24 परगनास के भी राइट्स एक्वायर कर लिए थे और 1760 में मीर कासिम सीडेड टू द कंपनी द डिस्ट्रिक्ट ऑफ बर्धवान चिटागोंग एंड Midnapur, and this was confirmed by the Mughal Emperor Shah Alam. Then is the administration before 1857. Now, when the British took control of Bengal, they tried to establish administration according to their requirements. When the Bengal, pe kabza kiya, us time pe wo apne अपनी रिक्वायरमेंट्स और अपनी जरूरतों के हिसाब से इस एडमिनिस्ट्रेशन को स्टेब्लिश करना चाहते थे द कंपनी grown प्री a कमर्शियल इंटू अ प्री predominantly टेरिटोरियल पावर पहले वो कमर्शियल की तरह काम करते थे ट्रेड उनका बेसिक मोटिव दिख रहा था लेकिन अब उन्होंने पावर अपनी पूरी बंगाल में कब्जा करके दिखा दी थी द क्वेश्चन नाउ वॉज वेदर इंडिया वॉज टू बी गवर्न बाई अ ट्रेडिंग कॉरपोरेशन विच वुड विच वुड बी लाइक प्राइमरली टू इट्स कमर्शियल इंटरेस्ट और वेदर अथॉरिटी वॉज टू बी एक्सरसाइज बाई ब्रिटिश पार्लियामेंट सो अब इस टाइम पर क्या था कि जो मेन क्वेश्चन था वो था कि इंडिया जो है अब वो ट्रेडिंग कॉरपोरेशन से गवर्न की जाएगी जो कि उसके कमर्शियल इंटरेस्ट में देखेगी या फिर एक अथॉरिटी होगी जो एक ब्रिटिश पार्लियामेंट एक्सरसाइज करेगा देन इसके अंदर अब हम कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे सब टॉपिक्स आते हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट थे जब 1857 का रिवोल्ट शुरू नहीं हुआ था उससे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी विज़विज़ ब्रिटिश पार्लियामेंट इकोनॉमिक पॉलिसी लैंड रेवेन्यू पॉलिसी जुडिशियल सिस्टम एंड इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन नाउ फर्स्ट इज ईस्ट इंडिया कंपनी एंड ब्रिटिश पार्लियामेंट द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ सेवनटीन माइट बी रिकॉर्डेड एज द फर्स्ट सीरियस अटैम्प्टई द ब्रिटिश पार्लियामेंट टू रेगुलेट इंडियन अफेयर्स जो रेगूलेटिंग एक्ट आया था सेवनटीन सेवेंटी थ्री में वो एक तरह से पहला अटैम्प्ट था ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा ताकि वो इंडिया के राइट्स को अफेयर्स को रेगुलेट कर सके अपने हिसाब से इट कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर द फर्स्ट टाइम अ सुप्रीम गवर्नमेंट हेडड बाई अ गवर्नर जनरल ऑफ फोर्ट विलियम इन बेंगॉल एंड फोर काउंसिलर्स having the supervisory authority over the presidencies of Bombay and Madras, तो जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 में उसके अंदर क्या था एक सुप्रीम गवर्नमेंट थी जो कि गवर्नर जनरल हैड करता बेंगाल में और चार काउंसिलर्स थे जो कि एक सुपरवाइजरी अथॉरिटी थी बॉम्बे और मद्रास के लिए The regulating act रिकोगनाइज the right of Parliament to regulate the civil military and revenue affairs of the company's territories in india and registers the first concern in the intervention of the indian affairs next is the economic policy the economic policy of the british government led to a rapid transformation of india's economy into a colonial economy whose nature and structure were de determined by british needs तो जो इकोनॉमिक पॉलिसी थी ब्रिटिश गवर्नमेंट की वो था इंडिया की इकोनॉमी से कोलोनियल इकोनॉमी में टर्न करना इंडिया को और ये जो कोलोनियल इकोनॉमी थी इसका स्ट्रक्चर डिफाइन किया था ब्रिटिश ने अपनी ज़रूरतों के हिसाब से इंडस्ट्रियल एवोल्यूशन इन ब्रिटेन फर्दर हेल्प टू स्ट्रेंथन दी कोलोनियल पैटर्न द एब ऑफ ब्रिटिश इंडस्ट्री वॉज टू ट्रांसफॉर्म इंडिया इंटू अ कंज्यूमर ऑफ ब्रिटिश मैन्यूफैक्चरर्स एंड द सप्लायर ऑफ रॉ मटीरियल्स देन लैंड रेवेन्यू पॉलिसी सो आफ्टर अज्यूमिंग कंट्रोल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया द कंपनी फॉलोड अ नंबर ऑफ मेथड्स फॉर द कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू डिपेंडिंग ऑन द लोकल कंडीशंस अलग अलग पार्ट्स में अज्यूम करने के बाद अपनी कंपनी को उन्होंने अलग अलग मेथड्स अपनाए कि कैसे लैंड रेवेन्यू कनेक्ट कलेक्ट करेंगे और एरिया टू एरिया उनकी पॉलिसीज डिपेंड करती थी इसके अंदर मेनली तीन टाइप के सेटलमेंट्स आती हैं जो कि अलग अलग पार्ट्स में फॉलो होती थी इंडिया में परमानेंट सेटलमेंट रोहतवारीटल सेटलमेंट एंड महलवारी सेटलमेंट फर्स्ट इज परमानेंट सेटलमेंट इन 1793 परमानेंट सेटलमेंट फॉर बंगाल बिहार एंड उड़ीसा वाज इंट्रोड्यूस्ड एंड इट्स स्पेशल फीचर्स वर द जमींदार बिकेम दी ओनर्स ऑफ द एंटायर लैंड इन दमींददारी एंड बिकेम एजेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट इन कलेक्टिंग लैंड रेवेन्यू तो परमानेंटलमेंट सेटलमेंट में पहला था कि जो जमींदार थे वो एक तरह से ओनर बन गए थे पूरी लैंड के और वो एजेंट्स बन गए थे गवर्नमेंट के ब्रिटिश गवर्नमेंट के देन अ जमींदार वॉज टू पे ओवर नाइन टेंथ ऑफ वट ही रिसीव्ड फ्रॉम द फीसटिंग टू द स्टेट जो भी वो रिसीव करता था उसका नौवा भाग उसे ब्रिटिशर्स को देना पड़ता था द लैंड रेवेन्यू टू बी कलेक्टेड फ्रॉम जमींदार वॉज परमानेंटली फिक्स्ड बाय डिकलेयरिंग जमींदार एज दी ओनर्स ऑफ द लैंड नेक्स्ट इज द रोहितड़ी सिस्टम अकॉर्डिंग टू रोहितड़ी सिस्टम सेटलमेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड अ पार्ट ऑफ मद्रास एंड बॉम्बे प्रेजिडेंसीज इन द बिगनिंग ऑफ दी नाइनटीन सेंचुरी द कल्टिवेटर वॉज टू बी रिकोगनाइज एज दी ओनर ऑफ हिस प्लॉट ऑफ लैंड सब्जेक्ट टू दी पेमेंट ऑफ द लैंड रेवेन्यू तो जो कल्टिवेट करेगा लैंड को वही ओनर कहलाएगा लैंड का लेकिन उसको कुछ लैंड रेवेन्यू देना पड़ेगा ब्रिटिशर्स को एंड हियर द ब्रिटिश ऑल्सो रिकोगनाइज द मीराज मीराजर्स दैट इज मेम्बर ऑफ विलेज कम्युनिटी एंड पेजेंट who paid tax direct to state then third is mehlwari system a modified form of zamindari which came to be known as mehlwari system was introduced in the gangetic valley northwest provinces and parts of central india and in the punjab the british introduced a fundamental change in the existing land system of the country in fact the stability autonomy and continuity of indian villages was shaken

मेजर स्टेप लिया था एडमिनिस्ट्रेशन को सेटअप करने में इन 1773 द रेगुलेटिंग एक्ट सेटअप इन बंगाल द सुप्रीम कोर्ट विच डिराइव इट्स पावर फ्रॉम द क्राउन तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट सेटअप हुआ था 1773 में बंगाल में द एस्टैब्लिशिंग एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट लेड टू द देंस ऑफ टू राइवल Sets of judicial authorities, the Supreme Court and Sadar Diwani Adalat. Then in 1790, criminal appeals were transferred to the Governor General and Council, who was to be assisted by Chief Qazi and two Muftis. In 1801, the judicial authority of the Governor General and Council came to an end, and their judge, three judges were appointed to form the Sadar Di Divani Adalat or Civil Appellate Court. Then, impact of British administration. The benefits of British administration could be seen in the maintenance of peace and order, belief in liberty, and ushering in a process of modernization. The British administrative policies resulted in the disappearance of indigenous institutions of local self government and exclusion of Indians from higher ranks of administration. The general discontent, which began to brew up among the Indians as a consequence of British policies, ultimately led to the outbreak of 1857. जो मेन बेनिफिट्स थे ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के वो थे पीस और ऑर्डर मेंटेन करने में और साथ में लिबर्टी इन बिलीफ और मॉडर्नाइजेशन में इसके अलावा और कोई बेनिफिट्स नहीं थे नेक्स्ट इज द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम आफ्टर 1857 द कंपनीज इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज गेव राइज टू वाइड स्प्रेड डिसकंटेंट इन ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी थी ब्रिटिशर्स की और ईस्ट इंडिया कंपनी की उससे बहुत ज़्यादा परेशानियां हो रही थी इंडियंस uh, के बीच में और इस वजह से ही रिवोल्ट शुरू हुआ था द रिवोल्ट शु दी ईस्ट इंडिया कंपनी द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑल्सो गॉट अलामड ऑल सेक्शन ऑफ पोलिटिकल ओपिनियन इन ब्रिटेन अग्रीड दैट द ईस्ट इंडिया कंपनी शुड बी सेटिसाइड एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट शुड अज्यूम डायरेक्ट रिस्पांसिबिलिटी फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया now here we will discuss the new administrative setup administrative decentralization organization of the army civil services and hostile administration now first is the new administrative setup by the Egg act of 1858 india was to be governed directly by and in the same name of the crown through a secretary of state in england जब रिवोल्ट स्टार्ट हुआ उस टाइम पे ईस्ट इंडिया कंपनी बिल्कुल शेक हो गई थी उन्हें बहुत ज़्यादा परेशानियाँ फेस करनी पड़ी थी और इस वजह से जो पूरा राजपाट था इंडिया का वो ईस्ट इंडिया कंपनी से हट के क्राउन में आ क्राउन के पास आ गया था ब्रिटिश क्राउन पे। द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया कंटिन्यू टू रिमेन इन दी हैंड्स ऑफ द गवर्नर जनरल हु वॉज गिवन द न्यू टाइटल ऑफ वॉइस रॉय The Indian Councils Act of 1861 enlarged the Governor General's Council for making laws, in which capacity it was known as the Imperial Legislative Council. The Indian Congress, after its formation in 1885, demanded a number of changes in the administration. Then, administrative decentralization. By 1882, the system of giving fixed grants to the provinces was put to an end instead the provinces were asked to generate a fixed income from the provincial taxes according to these arrangements some sources of revenue were fully handed over to the provinces some partially and some reserved from center the expenditure on war and famines was the responsibility of the center this arrangement continued till 1902 तो 1882 में जो सिस्टम था उसमें फिक्स्ड ग्रांट्स आ गए थे प्रोविंसेस के लिए और उसमें वो ख़त्म हो गए थे उसके बाद प्रोविंसेस जो हैं उन्होंने एक फ़िक्स्ड इनकम जनरेट करनी शुरू की थी एंड इन अरेंजमेंट्स की वजह से कुछ सोर्सेज ऑफ़ रेवेन्यू जो है वो सारे प्रोविंसेस के पास चले गए थे ना कि ब्रिटिशर्स के पास देन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द आर्मी सम मेजर चेंजेस वर मेड इन द ऑर्गेनाइजेशन Of the army. In 1861, keeping in view the outbreak of 1857, with the take of the administration by the Crown, the army of the company was also merged with the Crown troops. In the reorganization of the army, the main concern of the British was the happening of 1857, may never be repeated. Then civil services though the doors were open for the indians, but more than one or two could never be selected, because the examination was held far away in london. the examination was heavily based on the knowledge of latin, greek, and english. the indians had little background of these languages, and the maximum age was gradually reduced from 23 in 1859 to 19 years in 1878.

What were the different processes by which the jurisdiction of the company grew? And second, how did the policy of free trade help British industry? That's all for this session. Thank you and have a nice day.